नमस्कार दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। इस मास में सभी भगवान शिव के पूजा आराधना में मगन है। ये सावन महीना हमारे देवों के देव महादेव को समर्पित है और इस पवित्र महीने में देवघर, बोलबम, बैद्यनाथ धाम और भी कई अन्य नाम से जाने जाने वाले महाकाल के भक्त कंवरिया की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं इनकी पौराणिक कथाएं और इनका महत्व। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में ही रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव, जो कि जल समुद्र के देवता, को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण करे तो क्या करे। तभी उसे एक ग्वाला दिखा और कहते हैं वह ग्वाला खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, जिसका नाम बैजू था। इस वजह से ही यह तीर्थस्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। जब रावण को लघु शंका जाना था, परंतु बिना शिवलिंग रखे जा नहीं सकता था, और वह अगर शिवलिंग रख देता तो फिर भगवान शिव वहां से नहीं जा पाते। तभी रावण ने उस ग्वाले के पास जाकर शिवलिंग को उठाकर रखने को कहा। कहा जाता है रावण कई घंटों तक लघु शंका करते रहा और इधर बैजू के हाथ में शिवलिंग का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अंततः बैजू ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। शिवलिंग जमीन पर पड़ते ही रावण का लघु शंका भी रुक गया, परंतु शर्त के अनुसार अब वह शिवलिंग को नहीं उठा सकता था। फिर रावण ने बहुत कोशिश किया शिवलिंग को उठाने के लिए, लेकिन शिवलिंग टस ना मस हुआ। उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो ये था दोस्तों मुख्य पौराणिक कथाओं में से एक। पौराणिक
पौराणिक मान्यता ये भी है कि राजा दक्ष जो कि माता सती के पिता थे, एक महायज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और उस महायज्ञ के अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता, ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ भी माता सती का शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। देवघर का बैद्यनाथ धाम विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बैजनाथ मंदिर में कांवर लेके आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अब आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस यात्रा में भाग लेने वाले भगवान शिव के सभी भक्त कांवड़िया कहलाते हैं। भक्त सुल्तानगंज जिसे अजगैवी नाथ भी कहते हैं वहां से गंगा जल लाते हैं और लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर देवघर में भगवान शिव और माता सती पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा तीन तरह के होते हैं, एक सामान्य कांवड़ यात्रा, दूसरा डाक बम, तीसरा डांडी बम या डांडी यात्रा। जी हाँ, सामान्य कांवड़ यात्रा को 3 से 5 दिनों के बीच में पूरा करते हैं, वही डाक बम इस यात्रा को एक दिन लगभग 17 से 20 घंटे में बिना रुके पूरा करना होता है। और तीसरा डांडी बम या डांडी यात्रा, इसमें कांवड़िया हठ योगी के रूप में कुछ भक्त दूरी को दंड बैठक मतलब कि पूरे शरीर को साष्टांग प्रणाम द्वारा तय करते हैं और गंतव्य तक पहुंचने में इन्हें हफ्तों या महीनों तक का समय ले लेते हैं। यह एक बहुत ही कठिन यात्रा होता है। अब दोस्तों मन में सवाल आता होगा कि सावन मास में ही कांवड़ यात्रा क्यों होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष सहित कई दिव्य चीजें सामने आई। वह विष को भगवान शिव ने तो पी ली जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई है, इसलिए सभी ठंडी चीजें जैसे अर्धचंद्र, गंगा और लिंग पर लगातार टपकता जल के साथ उनका जुड़ाव है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा तब से शुरू हुई है। अब मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यह परंपरा कब से शुरुआत हुई। वेदों के अनुसार त्रेता युग में कांवर ले जाने की प्रथा शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और भगवान राम इस यात्रा को शुरू करने वाले पहले भक्त थे। उन्होंने सुल्तानगंज से कांवर में पवित्र गंगा जल लाए थे और बाबा धाम में भगवान शिव को जलाभिषेक किया। यह उल्लेख आनंद रामायण में भी मिलता है। तो दोस्तों ये था बाबा धाम के महत्व और उनकी पौराणिक कथा है। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ नहीं जाता पर मुझे बहुत मदद मिल जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।